श्रीलंका की दालचीनी दिखाने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको। जी जी ये जो है वियतनाम की है जी जी, और ये श्रीलंका की। क्या रेट होता है ये? 2000 से 2500 तक में आता है वापसी बिल्कुल। अगर जैसे मर्जी टेस्ट कर लो आप, यूट्यूब पे देखो जितना तरह के टेस्ट कर सकते हो कर लो, अगर ये नकली साबित हुआ तो हम आपको वापस दे देंगे मनी बैक गारंटी। ये केसर है, ये भी श्रीनगर से आता है, ये 150 रुपये का है। कितना होगा? आधा ग्राम। आधा ग्राम 500 mg। 150 रुपये का आधा ग्राम है तो बोले तो 300 रुपये का एक ग्राम, और 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये की चीज देखने जा रहे हो दोस्तों आप लोग? 3 लाख रुपए। ये शीला जी है, ये थोड़ा खोल के दिखा सकते हो क्या भैया? कुछ चीजें है, और ये भी हम भाई, ये आती है हुंजा शहर से। एक ही एक पहाड़ है जो कि हुंजा शहर है, पीओके पीओके में आता है ये। हुंजा एक शहर है जहाँ से शीला की तुम्हारी है, बहुत ऊंचाई पे होती है। आजकल वीडियोज में दिखा रहे हैं कि रस्सी बनती है जी जी, वो सबसे नकली है जो कि इसका। ये जैसे मैंने खोली ये टूट गया ना आपस में, यही ओरिजिनल है। 20 ग्राम 600 रुपए। 20 ग्राम चिली अखरोट गिरी है, ये सबसे टॉप क्वालिटी है। अच्छा, इससे ऊपर नहीं आती। अवेलेबल है अमेरिका से आती है। अच्छा, ये क्या रेट होती है? ये लगभग होती है 1500 से 1800। ये अफीम जो होती है ना जी, उसके अंदर जो फूल होता है उसके अंदर बीज होते हैं, उसको कहते हैं पॉपी सीड्स। क्या बनेगा जवानी में जिसने अपने सेहत का ध्यान में रखा, बुढ़ापे में वो दवाइयाँ खाई गई 40। बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको मैं लेके आया रखा हूँ ड्राई फ्रूट की दुकान पे। देखो मैं कोई पुराना किला या कहीं ड्राई फ्रूट खारी बाबरी वगैरह तो नहीं आ रखा, लेकिन ये एरिया अभी मैं आपको बताऊंगा। और इस दुकान को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमारे घर पे जो सामान जाता है वो यहीं से जाता है। तो थोड़ी बात करेंगे, यहाँ एक सिद्धार्थ भाई है उससे थोड़ी बात करेंगे। उसी का ये पूरा बिजनेस है जो इस सेटअप कब से कर रखा है, कितना टाइम हो गया इस स्टार्टअप को। और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से ये दुकान बना रखी है। अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो जो है ये है एक, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये सेल आउट करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो अंदर कहीं पे भी है। तो यहाँ पे अब थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और जितना प्रोडक्ट भैया की दुकान पे है जो नॉर्मली, जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको काजू बादाम वगैरह दिखाना चाहूँ तो नॉर्मली हर दुकान पर मिल जाएगा। इसके लिए मैं ये वीडियो नहीं शूट कर रहा ना। और ये अंजीर हो गया, ये अखरोट वगैरह हो गया, मूंगफली पिस्ता वगैरह हो गया, इसके लिए शूट नहीं कर रहा मैं वीडियो, और ना ही कोई फालतू की बात करने के लिए शूट कर रहा हूँ। जनरली अगर किसी को ड्राई फ्रूट चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये एक मसाल्टो ब्रांड है, पेटेंट कर रखा है हमारे सिद्धार्थ भाई ने। तो आओ बात करते हैं, थोड़ी जानकारी लेंगे इनकी दुकान पर। केसर, शिलाजीत और दालचीनी वगैरह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी हमें अच्छी। तो बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, आ जाओ आप साथ में। अब देख सकते हो ये, पहले तो यहाँ दिखा दो भैया किस तरीके से बना रखी है भैया ने शॉप, बढ़िया ढंग से है ना। ये लगभग सारी दुकानों पे काजू बादाम किशमिश वगैरह मिल जाता है, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ी क्वालिटी की बात करेंगे, थोड़ा बिजनेस की बात करेंगे। अगर इस तरीके का बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो कितनी की कॉस्ट लगेगी वो भी सिद्धार्थ जी से जानेंगे। ढेर सारी बातें करते हैं और आओ सिद्धार्थ भाई से मिलते हैं। तो मसाल्टो ब्रांड के जो ओनर हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, और उन्हीं के पास बैठा हूँ मैं। तो मिलते हैं भैया से। सिद्धार्थ भाई नाम है भैया का। बाकी भैया अपनी जर्नी वगैरह सारी चीज़ें आप बताओ, और कितना टाइम हो गया है आपको वो सब बताओ, और किस तरीके से आपने मन बनाया ये बिजनेस स्टार्टअप करने का, वो सारी चीज़ें आप बताओ इस वीडियो में ना। सर, मेरा एक मन था कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं जी। मेरा एक मन था कि मेरा अपना ब्रांड हो, जगह जगह मेरे होर्डिंग लगे, बोर्ड लगे, ठीक है। तो इसी सपने को लेकर मैं आगे चला था। तो जब मैंने कुछ सोचा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे, मैं वैसे एसी बनाने के लिए निकला था कि मैं एसी अपने सस्ता एसी बनाऊंगा, पर उस टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, मैंने बहुत टाइम लगाया, 6 महीने लगाए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सबसे सस्ते में मुझे लगा कि अपनी ब्रांड क्या बना सकते हैं, किस लाइन में जाना चाहिए। तो मैंने एक राजघाट से कोर्स किया था स्पाइसेस का, ठीक है। और स्टार्टिंग मैंने बहुत छोटे से करी, छोटे से इंद्रा से। मैंने ये जो बाहर टेबल लग रहा है, एक सिंगल टेबल, टेबल दिखाना भी, ये वाला टेबल ये, हाँ यही टेबल। यही टेबल मैंने इस सब्जी मंडी में लगाया था अकेले, और इस सब्जी मंडी में मैंने मसाले खड़े होके बेचे,
और आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी। लेकिन दोस्त आपने अभी बोला कि जैसे इन भैया ने बताया कि मसाले बेचे हैं रोड पे खड़े होके, लेकिन सुनने में तो कुछ ऐसा आता है कि देखा जाए तो आज ये तो दुकान है ऐसी, आप 10 खड़ी कर सकते हो, ऐसा कुछ है? सच्चाई है कि 10 ये नहीं कि हम अपना शोरूम खोल सकते थे। अच्छा, पर उसमें कभी भी बड़ी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। अगर किसी को भी अपना बिजनेस करना है ना, तो उसे बड़े छोटे लेवल से करना चाहिए, ताकि वो उसको सीख पाए। अगर सीधा शुरुआत कर ले, चाहे फिर वो कितने ही पैसे वाला हो, वो डूब जाएगा। तो शुरुआत छोटी करें। तो वही मैंने सीखी थी एक चीज़ कि छोटे से शुरू करें। तो छोटे से शुरू करने के ही लिए मैंने टेबल से स्टार्टिंग की। वहाँ से करते करते आज 2-3 साल हो गए, अब मैं आउट ऑफ इंडिया भी भेज देता हूँ सामान। मेरे यहाँ से कई बार जापान भेज चुका हूँ मैं, अमेरिका भेज चुका हूँ, कनाडा हमारा गर्म मसाला तक जाता है, बहुत सामान जाता है हमारे यहाँ से। आउट ऑफ कंट्री भी बेचते हैं, आउट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो मसाल्टो ब्रांड है इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। हाँ, है ना। अब थोड़ा सा हमारे ब्रांड रजिस्टर्ड है। अच्छा, ब्रांड रजिस्टर्ड है। तो अब थोड़ा बहुत भैया सामान के बारे में जानकारी वगैरह, जैसे काजू बादाम वगैरह है भैया, तो इनके बारे में देखो, ये तो आपको सब जगह मिल जाएगा। जी जी, काजू बादाम और ये सारे दिखाना दोस्त। क्वालिटी वाइज हमारे पास अच्छे होते हैं, जैसे कि ये बादाम है, ये अखरोट चिल्ली दिखा, ये दिखा ऊपर पर, जैसे पास से दिखाना भैया, जैसे चिली अखरोट गिरी है, ये सबसे टॉप क्वालिटी है। अच्छा, इससे ऊपर नहीं आती, इससे तो ये टॉप क्वालिटी का ही रखा हुआ है अपने अपनी शॉप। हाँ, और इसमें ऑयल कंटेंट बहुत होता है, ऑयल कंटेंट निकाल के दिखा, इसका दबा के दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली भैया ने, ऑयल इसमें बहुत होता है। मतलब सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, और स्पेसिफिक चीज़ हमारे पास जो अलग से आपको मिलेगी, जो कहीं नहीं मिलेगी, जो हमारे पास है, एक श्रीलंका की दालचीनी है। दिखाई श्रीलंका की दालचीनी, श्रीलंका की दालचीनी दिखाने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको। जी जी, ये देखो थोड़ा भैया, ऐसे ना पता नहीं लग पाएगा कि एक आपके जो यहाँ आसपास की दालचीनी है वो भी होगी क्या? थोड़ा हाँ जी हाँ जी, ये जो है वियतनाम की है। जी जी, और ये श्रीलंका की है। अच्छा, वियतनाम और श्रीलंका में अगर प्राइस का, इसमें जो है ना ये हॉलो होती है, ठीक है, ये अंदर से खाली है जी। और ये अंदर से भरी हुई है, ठीक है। ये वियतनाम से भी आती है, केरल से भी आती है, पर ये सिर्फ श्रीलंका से आती है। ये सिर्फ जो है ना सब्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। करेक्ट है, ठीक है। और ये है सिर्फ मेडिसिन पर्पज के लिए। अच्छा, जो श्रीलंका की दालचीनी है वो सिर्फ मेडिसिन पर्पज के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए, जो लोग भिगो के खाते हैं। असली सिनेमन यही होती है, बाकी सब नकली है, असली दालचीनी यही होती है। क्या रेट होता है ये? 2000 से 2500 तक में आता है। अच्छा, और ये वाला जो हर दुकानों पे मिलता है, ये 700-800 रुपए किलो। तो ये मेडिसिन, अगर ये मेडिसिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो और खराब हो सकता है। अच्छा, मतलब डायबिटीज बढ़ सकता है, क्योंकि ये मीठी होती है। जी, हमारा शहद आप देखिए, जो कि हम कश्मीर से मंगाते हैं, ये श्रीनगर से आता है, बाय कुरियर हम मंगाते हैं। ये शहद है, इसके हैंड निकाल के, ये 100% ओरिजिनल है, जबर कंपनी का है, ठीक है। ये जो आप बता रहे थे कि हम वापसी वगैरह भी, वापसी बिल्कुल, अगर जैसे मर्जी टेस्ट कर लो, आप यूट्यूब पे देखो, जितना तरह के टेस्ट कर सकते हो कर लो, अगर ये नकली साबित हुआ तो हम आपको वापस दे, पूरा मनी बैक गारंटी है इस पे। ये केसर है, ये भी श्रीनगर से आता है, कश्मीर से आता है, इसकी भी पूरी पूरी गारंटी है, ठीक है। केसर क्या रेट है भैया? ये 150 रुपये का है, कितना होगा? आधा ग्राम, आधा ग्राम, 500 mg, 150 रुपए का आधा ग्राम है, तो बोले तो 300 रुपए का एक ग्राम, और 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अरे भाई साहब, मैं तो गणित बिगड़ जाएगा इस समय। और ये शीला जी है, ये थोड़ा खोल के दिखा सकते हो क्या भैया? कुछ चीजें हम देखना चाहेंगे, कभी देखा नहीं है, 3 लाख रुपए की चीज नहीं देखी कभी हमने। तो सुना था बाइक वगैरह आती है, जावा आती है भैया, ये तो कुछ हिसाब ही अलग हो गया। 3 लाख रुपए की चीज देखने जा रहे हो दोस्तों आप लोग? ये लो भाई साहब, 3 लाख रुपए, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, देख रहे हो दोस्तों भाई, कैसे पहचान करते हैं? कुछ पहचान होती होगी केसर की, अगर इसका जैसे पानी में आप इसको घोलो जी, अगर बहुत जल्दी इसका कलर छूट जाए एकदम, तो नकली होता है। अच्छा, और हल्का हल्का रंग इसका येलोइश गोल्डन जो होता है, येलोइश होता है, तो बहुत धीरे धीरे इसका रिलीज होगा। ये तो जो आपको नॉलेज है इसकी, क्या पढ़ाई करनी पड़ी है? हाँ, मैंने राजघाट से ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, कोर्स होता है वहाँ पे स्पाइसेस का, हर चीज का कोर्स होता है, तो मैंने कोर्स किया। और कुछ भी है ये सारा? ये केसर है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है,
ये बादाम का तेल है, ये गुड़बंदी अफगान का जो बादाम होता है जी, गुड़बंदी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन और पहलवान जो भी आपके होते हैं वो सब वही खाते हैं, असली बादाम वही होता है। दिखाइए गुड़बंदी, दिखाइए, ये उसका ओरिजिनल ऑयल है जो कि हमने खुद निकलवाया है, ये 100% ओरिजिनल। हमारी शॉप पे सब चीज़ें ओरिजिनल है, कुछ भी आपको नकली नहीं मिलेगा। ये जो है गुड़बंदी बादाम, ये कितने रुपए रेट होता है? ये कुछ 200 रुपये के लगभग होता है, 200 रुपये का 250 ग्राम, 800 रुपये किलो, 200 रुपये और 250। और जनरल वाला ये सब कितने के हैं? ये 690, 650, 1000, 1100, 2200, 2800। ये शीला जी इतनी दिखाई दोस्त आपने, यार ये भी नहीं देखी ना अभी हमने कभी। ये शीला जीत है और ये भी हम भाई, ये आती है हुंजा शहर से, एक ही एक पहाड़ है जो कि हुंजा शहर है जो कि एलओसी पे आता है ना। अच्छा, तो ये पीओके में आता है सर, पीओके में। अच्छा, पीओके में आता है ये, हुंजा एक शहर है जहाँ से शीला जीत निकाली जाती है, बहुत ऊंचाई पे होती है ये और ये बहुत कॉस्टली होती है। इसकी 10 ग्राम भी लगभग 600 के आसपास होती है, 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम। अच्छा, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनलिटी का कैसे पता करते हैं भैया? जैसे आजकल वीडियोस में दिखा रहे हैं कि रस्सी बनती है जी जी, वो सबसे नकली है। अच्छा, जो कि मणिपुर क्या शिमला में और ये अलग अलग मसूरी वगैरह जब जाने लगे जो बैठे हुए हैं जी जी नीचे, वो दिखाते हैं रस्सी वस्सी बनाकर, वो तो पूरी पूरी नकली है जो पागल बना रहे हैं। अच्छी शॉप पे होगा वहाँ पे अगर होगा तो, वो भी कश्मीर में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से आसपास रिलेट करते हैं वहाँ पे। और ये जो है ना इसका, ये जैसे ही मैंने खोली ये टूट गया ना आपस में, यही ओरिजिनल है। ये लोगों का मिथ है कि जो खींचती है वो असली, इसमें नहीं बनेगी तार भी, इसमें नहीं बनेगी, और ये घुल जाती है पानी में, एक ग्लास दिया उसमें मिला था, पूरी डिजोल्व होती है ये पानी में। ये क्या रेट है भैया आपने बताया? ये आती है 20 ग्राम 600 रुपये की, 20 ग्राम 600 रुपये। इसका क्या यूज होता है भैया, बेनिफिट वगैरह? देखिए ये सब चीजों के लिए होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होती है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होती है और बहुत सारे फायदे हैं इसके। पानी में हम आपको घुल के दिखाते हैं, एक हल्का सा चाकू दिखा, थोड़ा सा पानी और डालना, ये इतने से ही लेनी है। देखते हैं प्रैक्टिकल, देख लो आप लोग, इतनी से रहेगा ये भी खुल जाएगी, और वो जो होती है पूरी खुलती नहीं, वो ताड़ ताड़ दिखते होंगे इसमें, वो गुड़ से बनाई हुई। तो अगर किसी को लेना है तो ये इतना ही सा असर कर जाता है ना? एक चने के दाने बराबर लेते हैं या उससे भी छोटा, एक चीनी के दाने बराबर, तो लगभग खत्म हो गई है सारी, देख सकते हो आप। ये अखरोट है, काजू है, अंजीर है, इन सबके कट्टे कट्टे रखे हुए, दिखाने को मैं दिखा सकता था कि बोल सकता था भैया से यार ये तराजू में पलटो इसे, बहुत ह्यूज अमाउंट में दिखा, हमारी क्वालिटी दिखा सकते हो। देखो हमने पीतल का ही रखा हुआ है, ये कोई नहीं रखता है, जो तोलने वाला हमारा वो भी पीतल का, जिसमें हम मसाले कूटते हैं वो भी पीतल का है, बहुत हैवी में है, देखो आप लेके देख सकते हो। करेक्ट है भाई, कुछ भी ले लो, तोलने वाला देखो ये भी हमारा पीतल का है। अच्छा, ये पूरी पूरी गारंटी आपको एक हरी बावली में कहीं भी नहीं मिलेगा, अच्छे से अच्छे शोरूम में चले जाना वही मिलेंगे, स्टील के या लोहे के, पर पीतल के ये सारे बर्तन कहीं नहीं मिलेंगे आप। ये मसाल्टो मतलब थोड़ा बताओगे भैया आप? यार मसाल्टो एक स्पेनिश नेम है। अच्छा, तो ये मैंने बहुत ढूंढ कर निकाला था मसालों से, तो इसमें नाम ये है कि मास मतलब तो है हाई, हाई, और आल्टो मतलब क्वालिटी, तो ये हाई क्वालिटी है। अच्छा, तो ये ब्रांड मसाल्टो बहुत रिलेट करता है हमारे मसालों से। करेक्ट, देखिए पैकिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पैकिंग होती है सिद्धार्थ भाई के यहाँ मसाल्टो ब्रांड की। अभी तो हमारे ये स्टिकर्स हैं, बाकी हमारी पैकिंग शुरू होने वाली है। अच्छा, ये हींग 15,000 रुपये किलो है, ये
15,000 रुपए किलो? हाँ जी, 150 रुपए के देते हैं हम 10 ग्राम। तो भैया यूज भी एक दाना डालते हैं बस, किसी से कूट के इसको पाउडर बना के देते हैं कस्टमर के सामने। कस्टमर को ट्रस्ट भी होता है और आज तक किसी का इसका जो है फीडबैक कोई खराब नहीं आया, 100% पॉजिटिव आया इसका। और इसका एक दाना डलता है चीनी के दाने बराबर, बस इससे ज्यादा लोग चम्मच से डालते हैं, आधे चम्मच डालेंगे आगे से डालेंगे, आधा ढक्कन डाल देते हैं, ढक्कन डालते हैं, पर इसमें आपको सिर्फ एक चीनी के दाने बराबर डालना, इससे ज्यादा अगर आपने डाल दिया तो सब्जी खराब हो जाएगी। ये इतनी प्योर है, 100% ओरिजिनल है ये, ये अफगान की है, ये अफगान से आती है। लोग कहते हैं हाथरस से आती है हिंग, हाथरस में होती नहीं है, हमारे भारत में हिंग नहीं होती, ये बाहर से आती है, बाहर से आके हाथरस में इसकी मेकिंग होती है। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज रखी हुई है आपने, ये क्या पॉजिटिविटी है? पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखा हुआ है ये, फिट करिए। अच्छा, ये सेल आउट करने के लिए? सेल आउट के लिए बस यही है, हमारे हम मसाले खुद बनाते हैं जी, जी। हर चीज पाउडर मेकिंग जितनी भी है सारी खुद बनाते हैं, 100% प्योर होती है। हमारे पास एक पाउडर होता है शुगर का, उसे कहते हैं कड़वा चूर्ण, उसका भी 99% रिजल्ट है, जिसको भी हमने दिया है वो हमारा हमेशा के लिए कस्टमर है। क्या है भैया ये कड़वा चूर्ण, क्या समझना है इसे? ये शुगर पेशेंट्स के लिए। अच्छा, क्या बेनिफिट है इसका? ये शुगर पेशेंट्स के लिए उनको रिलीफ मिलता है। किस तरीके से दे सकते हैं ये तो बताओ हमारे? ये आधा चम्मच ऐसा है मॉर्निंग में और आधा चम्मच नाइट में, इसको खाने का 1 घंटे का गैप रखते हैं, चाहे पहले ले लो चाहे बाद। दूध के साथ देते हैं? नहीं, खाली पानी से, गुनगुने पानी से। अच्छा, क्या रेट है भैया? इसमें हम प्रॉफिट नहीं लेते, ये हमारा 900 रुपए किलो कुछ आता है, 900 में बेचते हैं। इसमें आप प्रॉफिट नहीं लेते? ये दवाई एक तरह की, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं। ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को? कोई चीज भैया मैं मिस तो नहीं कर रहा? नहीं, सब लगभग हो गए, बाकी और जनरल चीजें हमारे पास सारी होती है। इन सब चीजों के बारे में एक बार हमारे पास अच्छी क्वालिटी है। एक बार आना भैया इन सब चीजों, कभी सिर्फ देख रखा है, देखा ही भैया की दुकान। सर ये तो बना है जी जी जी, ठीक है यहाँ दिखा देते हैं। ये कंधारी किशमिश है, अफगान से आती है ये भी। अच्छा, कंधारी देखो बिल्कुल ग्रीन है, ये कॉस्टली आती है थोड़ी, ये अफगान के ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अफगान का जो है गुड़बंदी बादाम है, ये अफगान की मुनक्का है, ठीक है। लगभग जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अफगान के ही होते हैं अच्छे, ठीक है। ये हमारे ये मैंने शायद आप, ये ब्लैक किशमिश है, ये भी अफगान से आती है, आप देख सकते हो इस पर एड्रेस जो है अफगान का होता है, सबके इस पर होगा ये अफगानिस्तान। एक ब्लूबेरी वगैरह? ब्लूबेरी सर हमारे पास है जी, है अभी राइट नाउ अवेलेबल है, अमेरिका से आती है। अच्छा, ये क्या रेट होती है भैया? ये लगभग होती है 1500 से 1800, 1500 से 1800, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये अंजीर है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की अंजीर है हमारे पास, ये देखिए बड़ा साइज और वाइट, इससे भी बड़ा साइज होता है। क्या रेट होता है? कटिंग में रखा हुआ है ये कुछ 1300 1400 1400 है। हमारा होलसेल रेट है वैसे सारा। अच्छा, ये दालचीनी अभी मैंने आपको दिखाई दी, ये तो दिखाई दी आपने, ये एक अर्जुन की छाल है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने, ये तो हम फ्री देते हैं, इसके तो हम पैसे नहीं फ्री देते फ्री देते हैं इसके कोई पैसे नहीं लेते, हार्ट फिट रहेगा तो जब भी आएंगे कस्टमर, ठीक है। ये शतावर है, ये लेडीज के लिए होता है, ठीक है। ये छबीला है, मसाले कुछ गर्म मसालों में डलता है जी जी, है ना। ये है मसाले, जड़ी बूटियाँ सब, ये अश्वगंधा है ना, ये सफ़ेद मूसली है। सफ़ेद मूसली किस पर्पज़ के लिए होती है भैया? ये सब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, इसका हम पाउडर भी बनाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या जो पहलवान होते हैं उन सब के लिए ये पाउडर बनाते हैं, कुछ चार चीज़ें मिक्स करके, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौच के बीज, और कौच के बीज, ये कौच के बीज हैं। किस चीज़ के बीज हैं? कौच के बीज हैं, इसको शुद्ध करना पड़ता है पहले। ये भी टेस्ट ऑन बूस्टर हैं, जड़ी बूटियाँ, इसके अंदर एक चीज़ और मिलती है, ये शतावर, ठीक है। शतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मिसली और कौंच के बीच, ये चारों मिला के इसका पाउडर बनता है, ये भी हम बनाते हैं, बाकी ड्राई फ्रूट्स का मिक्स करके पाउडर बनाते हैं, बाकी सारी ये हमारी पाउडर मेकिंग है, सारे मसाले हमारे खुद के पीसे हैं। अच्छा, मसाले वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, सारे मसाले हम खुद पीसते हैं, गरम मसाला है, चाट मसाला है। ये क्या है भैया? ये सफ़ेद मिर्च हो गई, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये खसखस है, ये अफीम का बीज होता है। अफीम का बीज अब है? अफीम का बीज देखते हैं। ये अफीम जो होती है ना जी,
उसके अंदर जो फूल होता है उसके अंदर बीज होते हैं, उसको कहते हैं पॉपी सीड्स। तो ये वो खसखस है, इसमें नशा नहीं होता, पर ये ये कैल्शियम के लिए होता है। ये बहुत जबरदस्त, आजकल ये सीड्स चल रहे हैं, आप ये दिखा सकते हो चारों सीड्स, ये देखो आजकल ये, पहले तो इसका कोई लोगों को नहीं था पर आज ये बहुत कॉस्टली बिक रहे हैं। और ये ओमेगा 3 सीड्स हैं, ये पम्पकिन सीड है, ये मस्कमेलन है, ये सनफ्लावर है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन, ये सारे मिक्स करके देते हैं, ठीक है। ये चिया सीड्स हैं हमारे, चिया सीड्स वेट लॉस के लिए होता है ये, ठीक है। इसको तो मैंने बहुत सुना है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आ जाओ आप, ये रहे सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, ये एक मिक्स ड्राई फ्रूट आप दिखा सकते हो। ये ब्रेकफास्ट है, जो लोग ऑफिस जाते हैं मॉर्निंग में और ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं सुबह सुबह, पहले तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है तो उसकी आज नहीं तो कल तबीयत खराब होने वाली है। जवानी में जिसने अपने सेहत का ध्यान नहीं रखा, बुढ़ापे में वो दवाइयाँ खाएगा ही खाएगा 40 के बाद। ऐसा लग रहा है ये डांट रहे हैं। नहीं, ये ब्रेकफास्ट है, जो नहीं खा सकता अपना कैरी कर सकता है, बैग में कैरी कर सकता है, पॉकेट में, छोटी पॉकेट में भी रख सकता है। तो जब आपका मन करे इसको खा सकते हैं, बाहर का कुछ बर्गर चाउमिन की छोड़कर अगर आप ये खाना चाहें तो ये खा सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बाकी सब मसाले हैं, ये डेट्स हैं, खजूर हैं, ये सारे अच्छी क्वालिटी के। एक मैं आपको खजूर दिखाता हूँ जो कि ये मदीने का है। मदीना, हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पैक कर लेंगे। अगर मॉर्निंग में आपने ये खा लिया तो फिर पूरे दिन में आपको कुछ एनर्जी वाली ऐसी चीज लेनी जरूरत, ये आपकी पूरे दिन का न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। क्या रेट है ये? कुछ आता है 600 से 700 रुपए के आसपास। सिर्फ एक खा लिया? सिर्फ एक ही खाना होता है, उससे ज्यादा खा लिया तो फिर भूख नहीं लगती। आप क्या खाते हो ये बताओ? मैं भी यही सब खाता हूँ। अच्छा, मैं भी ये केसर लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में, पानी पीता हूँ, खजूर खाता हूँ और बनाना शेक बनाता हूँ, एक अपना ड्राई फ्रूट्स डाल के। अच्छा, सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। हम लोग साथ बैठे हुए थे, तो जब हम साथ बैठे हुए तो जनरली आप लोगों को भी लग रहा होगा स्टार्टिंग से, अब वीडियो एंड होने लगी है तो मैं बात करूँ कि ये जो भैया हैं, जब आप शुरुआत में देख रहे होंगे तो हम लगभग एक ही एज के लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन असल में भैया हमसे 4-5 साल बड़े हैं और इनके सुपुत्र जी हैं 4 साल का इनका बेटा भी है। शुरुआत में इन्होंने कहा, मैंने कहा यार आप तो विवाहित हो, कह रहे ये वीडियो में बोलोगे, इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि 4 साल का सुपुत्र है इनका। तो दोस्तों ये थी हमारी एक बहुत प्यारी सी वीडियो, और सबसे मेन बात अब वीडियो की यह है कि एड्रेस क्या है दुकान का और किस तरीके से ये सामान आप लोगों को मिल सकता है। क्या ये भैया ऑनलाइन अगर दिल्ली NCR में है तो 1 से 2 घंटे के अंदर हम आपको दिल्ली NCR में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। और आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ ये है दिल्ली या अदर स्टेट में है कोई, तो उसमें 2 से 3 दिन में हम आपको कुरियर करा देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कुरियर चार्जेस आपको ही देना होगा, उसका इंक्लूड होगा उसके अंदर। बाकी हम आपको 2 से 3 दिन के लिए अवेलेबल करा देंगे, हमारा नंबर इस पर आ ही जाएगा, ठीक है। नंबर एक बार आप बोल दो। मेरा नंबर है 9909507 85। और भी कोई तरीका है? हमारी एक ऐप है, ऐप भी है हमारी, अगर आप उसको कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आप उससे ऐप के थ्रू भी ले सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप कर दोगे दिल्ली NCR में, 1 से 2 घंटे या 3 घंटे में हम आपको पहुँचा देंगे, लिस्ट आप भेज दीजिए। और दिल्ली NCR से ज़्यादा बाहर है, ज़्यादा दूर है, अदर स्टेट में, तो 2 से 3 दिन के हम आपको कार्ड भी होगा कोई कार्ड? कार्ड फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं है हमारा, कार्ड हमारे खत्म हो गए हैं शायद, नया भी बनने के लिए गए हैं। बाकी हमारा बोर्ड दिखा सकते हो, उस पे सारा एड्रेस और सारी चीजें लिखी हैं। ये जो नंबर बताया आपने इसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9909507 85। ये नंबर है, नंबर अच्छे से आ रहा है ना? व्हाट्सएप करोगे अपना सारे आप बात कर सकते हो, जो आपको चाहिए अपनी डिटेल्स भेज सकते हो, ठीक है, अपनी लिस्ट सेंड कर सकते हो और एड्रेस हम आपको पहुँचा देंगे। और यह इस शॉप का एड्रेस क्या होगा भैया? इस शॉप का एड्रेस है B28 शॉप नंबर 5 पांडव नगर, अपोजिट मदर डेयरी, लैंडमार्क है इसका डी पार्क। ये था एड्रेस दोस्तों, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार और गणेश नगर और पांडव नगर, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर वाले, त्रिलोकपुरी वाले,
अक्षरधाम साइड वाले, यमुना बैंक साइड वाले, ये सब आ सकते हैं भाई की दुकान पे। और हमारे यहाँ तो ज़्यादा दूर है तो कोरियर कर सकते, और ज़्यादा दूर है तो कोरियर करवा सकते हो आप लोग, ऊबर पोर्टल से सब चला। ये थी हमारी एक प्यारी सी वीडियो जो हमने कोशिश करी थी कि मैक्सिमम 7 से 10 मिनट की बनाएंगे, लेकिन मेरे अंदाजे 20 मिनट से कम की नहीं होगी। कितने की आप है? 22 मिनट की बन चुकी है। करेंगे इसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद और प्रणाम सभी को, और फिर मैं मिलता हूँ किसी अच्छे इंसान के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।